बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति जी आने वाले हैं और सभी उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर गणपति जी का एक मनपसंद भोग बनाकर तैयार करेंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे काजू से मोदक, जो बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम काजू, साथ ही 50 ग्राम के जितने मैंने लिए हैं किशमिश, और 6 से 7 लिए हैं इस तरह के अंजीर। यहाँ पर हम काजू को अच्छे से बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे इनका। अंजीर और जो किशमिश है इसे एकदम बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेते हैं। यहाँ पर काजू को मैंने अच्छी तरह से एकदम बारीक पीस लिया है और छान लिया है, साथ ही किशमिश को भी एक तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और अंजीर को भी बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे हम स्टफ करेंगे हमारे मोदक में। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख देते हैं। 250 ग्राम काजू का पाउडर बनाया है, इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग 20 ग्राम के जितना दूध का पाउडर। यहाँ पर हम चाशनी तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने ली है लगभग 125 ग्राम शक्कर। इसमें ऐड कर देंगे हम लगभग 70 से 80 ml पानी। चीनी हमारी डूब जाती है, इतना हमें पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं, हमारी चाशनी यहाँ पर अच्छी तरह से उबल रही है। हमें इसका हल्का सा ही तार चाहिए, बहुत बड़ा जो तार आता है वैसा तार हमें इसका नहीं चाहिए। चेक कर लेते हैं हमारी इस चाशनी को। ऐड करते हैं एक प्लेट में, थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं और इस तरह से जब हम हाथों के बीच में लगा कर देखते हैं तो हल्का सा इसका एक तार बन रहा है। बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए हमारे इस मोदक बनाने के लिए। यहाँ पर इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और ऐड कर देंगे इसमें हमारे काजू का पाउडर। यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने गैस के फ्लेम को स्लो कर दिया है और इसे हम थोड़ी देर कुक करेंगे। जैसे ही पैन छोड़ने लगेगा हमारा काजू का बैटर, तब तक हमें इसे इसी तरह से कुक करना है। लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से पैन छोड़ने लगा है हमारा काजू का बैटर। बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। लगभग 6 से 7 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा काजू का बैटर है इसे मैंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर एक पार्ट में हम ऐड करेंगे लेमन फूड कलर, जो हल्का पीला वाला कलर होता है उसे हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूसरे पार्ट में हम ऐड करेंगे पिंक कलर, जो पिंक कलर होता है उसके लगभग 7 से 8 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से दोनों पार्ट में हमने दोनों अलग अलग कलर को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। हमारे मोदक का बैटर जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, ये देखिए इस तरह से, और अच्छे से सेट होने वाली कंसिस्टेंसी में भी आ गया है। तो आइए अब हम इससे मोदक तैयार कर लेते हैं। ये है मेरे पास मोदक बनाने वाला सांचा। इस सांचे को अच्छी तरह से हम दोनों साइड से घी से ग्रीस कर देते हैं। सबसे पहले तरह से एक साइड हम फिल करेंगे हमारा पिंक वाला पोर्शन है इसे, और दूसरी साइड फिल करेंगे हमारा जो येलो वाला पोर्शन है इसे। यहाँ पर इसके सेंटर में हम फिल करेंगे किशमिश और अंजीर को इस तरह से, और इसे क्लोज कर देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से इसे प्रेस करेंगे और जो नीचे का पोर्शन है इसे भी अच्छी तरह से इस तरह से दबा देंगे। ओपन करते हैं हमारे इस सांचे को इस तरह से, ये देखिए ऐसा एकदम ड्राई फ्रूट्स वाला हमारा मोदक यहाँ पर बनकर तैयार है। ये देखिए काजू वाला कितना बढ़िया सा हमारा 2 कलर में मोदक बनकर तैयार हुआ है, जो दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए इसी तरह से हम हमारे सभी मोदक बनाकर तैयार करेंगे। देखिए कितने बढ़िया हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। 2 कलर में इन मोदक को हमने तैयार किया है और इसका टेक्स्चर एकदम से सॉफ्ट है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट टेक्सचर है हमारे इन मोदक का, और बीच में हमने जो स्टफिंग की है इसमें अंजीर और किशमिश की, उससे इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। जैसे गणपति जी के लिए आप भी बढ़िया से काजू के मोदक अपने हाथों से बनाएं, गणपति जी को चढ़ाएं और गणपति जी से ले ढेर सारा आशीर्वाद।